दुरुस्त मौका दुरुस्त क्या बोलते हैं मौका भी है और दुरुस्त भी है मौका है और दस्तूर भी है हमारे बचपन का यार मिल्की बार राइम करा ना हाय गाइस दिस इज रम्या एंड वेलकम बैक टू माय चैनल तो जैसे कि आप देख रहे हैं आज फिर से मैं नए बैकड्रॉप के साथ आ चुकी हूं और आज मैंने अपना दूसरा कोना दिखाया जो कि मैंने फिनिश नहीं किया है तो इसलिए मैं आपको दिखा रही हूं और ये कोना वैसे मैं आप लोगों ने कई वीडियोस में देख भी लिया होगा मैं जब डेयर्स के लिए भाग रही होती हूं तो इसलिए मैं दिखा रही हूं तो आई होप आपको ये आज का कोना अच्छा लगा आज का भी कोना डिजाइन किया है मेरी बहन ने तो यार दिस इज हाउ इट लुक्स लाइक हैप्पी दिवाली इन एडवांस गाइस आई होप आपकी ये दिवाली बहुत ही बहुत ही बहुत ही प्रॉस्पेरस और बहुत ही पॉजिटिवनेस लाए आपकी लाइफ में एंड या खूब चमका चमकी भी कर दे आपकी जिंदगी में बिल्कुल चमक जाए आपकी जिंदगी इसका वीडियो होने वाला है जैसे कि आप लोग में से लिटरली कई लोगों ने गेस कर लिया था और कई लोगों ने रिक्वेस्ट भी करी थी कि मैं चॉकलेट्स को मिक्स करूं तो मैं ले आई हूं यार और जो चॉकलेट्स है वो है ये और ये मैंने बास्केट में धो के समझ रहे हो धो के रखे हैं यार कोरोना टाइम से धोना पड़ता है तो ये मैं धो के रखे हैं और ये कुछ इस तरीके के और आप लोग ने बोला चॉकलेट तो मैं ले आई हूँ अपने पॉकेट अपने बटवे पे लात मार के 1200 रुपए की सिर्फ चॉकलेट लेके आई हूँ मैं जितनी भी दुनिया की जितनी भी चॉकलेट मैं ढूंढ सकती थी ना मेरी दुकान में मैं सारी की सारी लेके आई हूँ और ये कुछ इस तरीके तो अगर आपको मेरा एफर्ट पसंद आ रहा है तो प्लीज लाइक कर दो यार इस वीडियो को मेरी मेहनत पे यार लाइक तो बनता है कि नहीं आपको क्या करना है एक लाइक ही तो मारना फ्री का है ठोक डालो एंड साथ ही साथ इस वीडियो को 30,000 लाइक तक प्लीज पहुंचा दो मैं जानती हूँ 30,000 में शायद ज्यादा मांग रही हूँ बट यार आप लोगों को मेरी चॉकलेट सीखा सब 30,000 लाइक्स तक जल्दी पहुंचा देना एंड साथ ही साथ सब्सक्राइब करो मेरे चैनल को क्योंकि मैं न्यू वीडियोस पोस्ट करती हूँ एवरी वीक विच आर दैट इज ऑन मंडे वेडनेसडे फ्राइडे संडे शार्प एट 12 PM सो मेक श्योर दैट यू सब्सक्राइब एंड साथ ही साथ मेरे इंस्टाग्राम को फॉलो करो दैट इज द वोक डॉट एंड नाउ विद तारा रिफा द बग बग लेट्स गेट स्टार्टेड सबसे पहले आपको क्विकली लाइक लिटरली क्विकली सारे चॉकलेट्स के नाम बताती हूँ जो जो मैं लेके आया हूँ जिससे आपको बताया कि मेरे को कौन कौन से मिले हैं मेरी दुकान पे और इनकी क्या किन सबका मिक्सचर बनने वाला सबसे पहले शुरुआत करते हैं वो है हमारा कैडबरी का पर्क जिसका मुझे सिंगल पैक मिला नहीं इसलिए मैं मल्टी पैक ले आई जिसके अंदर छोटे छोटे होंगे मोस्ट प्रोबेबली फिर एक है मल्टी पैक मार्स कैडबरी की बॉन्डविल जो कि रेजिन एंड नट फ्लेवर है मैंने कभी नहीं खाई बट मैं स्टिल उठा के ले आई बिकॉज मुझे रेजिन से नट्स चॉकलेट टेम्पटेशन में बहुत पसंद है तो मैं इसलिए ले आई टेम्पटेशन सी रामन रेजिन जो मैं बचपन से लिटरली अपनी 12th क्लास से खा रही उससे पहले तो भैया पैसे नहीं हुआ करते थे तो 12th क्लास से मैं खा रही हूँ ये मुझे बहुत पसंद है और मेरे को यूजुअली गिफ्ट में मिलती थी मैं नहीं खरीदती थी जाके पर कभी कभी खरीद भी लेती है तो ये वो है और इसकी भी यार कवरिंग चेंज हो गई सो या दैट्स दैट ये वाली चॉकलेट मेरी बहन को कब से ट्राई करने की इच्छा थी तो मैं सोचा ये मौका भी सही है दुरुस्त मौका दुरुस्त क्या बोलते हैं मौका भी है और दुरुस्त भी है मौका है और दस्तूर भी है मौका और दस्तूर भी था तो हम लोग लेके आई गए और ये है हमारा अमूल का इंडिया ट्विलाइट ट्राइस्ट ये है सिंगल ओरिजिन डार्क चॉकलेट हर्षी की कुकीज एंड क्रीम इसका सिंपल सा क्रीमी मिल्क के पास हमारी डेरी मिल्क ओरियो सिल्क वो है नटी कैडबरी की मुझे बहुत पसंद है ऑल्दो ये बहुत महंगी आती है मुझे समझ में नहीं आया आज तक इसमें ऐसा कौन सा खजाना डाला है बट स्टिल बड़ी महंगी लगती है मुझे 4-5 दानों के लिए देन हमारे पास सिंपल सी डेरी मिल्क छोटू सी किट कैट 5-star 3D सिंपल सी 5-star फ्यूज जो कि मैंने आज तक कभी ट्राई नहीं किया जब मुझे पता नहीं है बिल्कुल भी कैसा टेस्ट करता है बट फ्यूज ये मैंने ट्राई नहीं करी बट या मेरी बहन यहाँ से बोल रही है कि उसकी बेस्ट फ्रेंड की फेवरेट है सो या दैट्स दैट बार वन हमारे बचपन का यार मिल्की बार राइम करा ना बाउंटी क्योंकि कोकोनट फ्लेवर है इसके अंदर और मुझे बड़ी अच्छी लगती है एनर्जेटिक स्निकर्स मंच हमारे पास 10 रुपए का जेम्स फिर साथ में केचप किस लिए दिया मेरे को ये भी डाल दो टोमेटो केचप जस्ट ब्रिंग अ बिग पतीला और इसमें सारा तोड़ तोड़ के डाला जाए जैसे हमने मेल्ट करना है और हमें सब कुछ मिक्स करना है और फिर हमें खाना तो फटाफट से पतीला लेके आया जाए पतीला आ गया और ये है छोटा सा पतीला बट होपफुली इसमें सारा का सारा मेल्ट होता है हम सब कुछ नहीं मेल्ट करेंगे क्योंकि सबका इक्वल प्रोपोर्शन होने से जिससे टेस्ट बिल्कुल इक्वल रहे ये हो गई हमारी कैडबरी की टेम्पटेशन मुझे नहीं पता था सारे के सारे ब्रांड कैडबरी के हैं यार कैडबरी का ओनर कौन है शादी का कोई रिश्ता भेज रहे हो क्या 180 प्लस चॉकलेट्स वाओ ये हमारी सारी की सारी चॉकलेट्स हमने खोल खोल के डाल दी इसमें तोड़ तोड़ के अब इसको हम मेल्ट करते हैं और देखते हैं कितनी मेल्ट होती है कितनी नहीं होती और क्या बन के आता है लेट्स गो मेल्ट दिस तो ये कुछ
कुछ इस तरीके का मेल्ट करके हम ले आए हैं, बट मे बी भी किसी के साथ क्रंची आइटम्स भी थे तो ये क्रंची क्रंची सा ही हो रखा है। होपफुली टेस्ट में ओवरऑल अच्छा होगा, बट इसका जेम्स फॉर सम रीजन मेल्ट नहीं हुआ। जेम्स बड़े ताकतवर हैं, कितना ही गर्म कर दो वो मेल्ट ही नहीं हो रहे हमारे। हमने लिया है ये वाला बर्तन, मेरे पापा का बहुत पुराना टिफिन है, इसमें हमने बेकिंग शीट लगा दी क्योंकि हमें थोड़ा डाउट है कि निकला नहीं तो क्या करेंगे हम, तो इसलिए अब इसके अंदर मैं फटाफट से भर लेती हूँ बिफोर इट गेट्स ऑल जमाफाई। सो लेट्स डू दिस। ओके गाइस, तो ये मैंने जमा लिया है और कुछ इतना भर गया है, मैं इसको आपको टेढ़ा करके नहीं दिखा सकती क्योंकि अब फॉर सम रीजन ये क्रंची से बिल्कुल मेल्टेड हो रहा है, पता नहीं क्यों। बट या दिस इज हाउ इट लुक्स, अगर आपको दिख रहा हो तो बहुत ही अच्छा होगा, नहीं दिख रहा हो तो मैं कुछ नहीं कर सकती इस चीज़ में। अब इसको जमा देते हैं और फिर इसका जमने का वेट करते हैं और उसके बाद देखते हैं क्या होता है। खाने की बड़ी इच्छा हो रही है बट क्या करें, जमाना ज़रूरी है। ओके गाइस, तो हमारी चॉकलेट के साथ क्या हुआ आपको बताइए। हमारा टिफिन बड़ा बड़ा अच्छी रिश्तेदारी निभा रहा था इसके साथ, छोड़ ही नहीं रहा था इसको तो, बट कैसे जैसे हमने घुसेड़ के हमको निकाल, हमने निकाल तो दिया और बहुत ही अच्छे से हमने, मेरी बहन ने बोला अच्छा सा एक स्लाइस काटो, एक है ना खाने के लिए एक स्लाइस काटो, मैं काटने के देखा था आधे में बेचारा टूट के बिखर गया था, बड़ा बार बन के आया। देखो गाइस लाइक लिटरली जस्ट लुक एट दिस, ये मतलब दिस इज द हाफ ऑफ दैट किटकैट का जो अपने लंबा से जो बना था उसका हाफ तो बन गया यहीं पे। खाके देखते हैं जो हमने तोड़े हैं यहाँ पे मरोड़ के ऐसे निकाल के रखे हैं, ये दो पीसेस हैं यहाँ पे, मैं झूठा नहीं करना चाहती बिकॉज पूरा खानदान खाएगा इसमें से काट काट के काट काट के, तो इसलिए ये खा के देखती हूँ फिर बताती हूँ। क्या मिला है भाई इसमें मुझे? वेफर्स और डेयरी मिल्क कुकीज एंड क्रीम्स ओरियो सबका फ्लेवर आ रहा है मुझे। मुझे लिटरली लगा था मेरा चॉकलेट बर्बाद हो जाएगा बट ना भाई ना, ओवरऑल सबका डेयरी मिल्क ऑब्वियसली वाला थोड़ा ज्यादा ही आएगा क्योंकि सबका चॉकलेट बेस जो होता है वो डेयरी मिल्क ही होता है, जो कैडबरी वालों का जो होता है मेजर तो सबका वो बेस वो लोग डेयरी मिल्क से थोड़ा गिना चुना मिक्स ही करके रखते हैं। बट यार बड़ा सही, मतलब और खाने का मन कर रहा है, क्या करूं। आप मानेंगे अभी रात के 1 बजे और मैं यहाँ पे चॉकलेट मजे से खा रही हूँ। बहुत ज्यादा जमा दिया तो मेरे दांत थोड़ा सा दुख गया, चबाने में ज्यादा लालच बुरी बला है इसलिए बोलते हैं आराम से काट के जो मैंने मेरे को जो जितना भीख में मिला था जो गिरा पड़ा था वही खा के खुश रहना चाहिए था, थोड़ा ज्यादा चबाने के तो मेरे दांत थोड़ा दुख गया बट कोई बात नहीं, चलते चलते सब चलता है आप लोगों के लिए। मैंने सोचा कि खा के तरीके से बुखड़ों की तरह खा के भी देख ही लेते हैं, तो बड़ा ही ओवरऑल बड़ा ही सही फ्लेवर है, वो अलग बात है काफी क्रंची बना है। बिकॉज आई जस्ट होप कि जब ये थोड़ा सा और मेल्ट करके रखेंगे ना लाइक थोड़ा बाहर रखेंगे तो पता नहीं कितना ही टेस्ट आने वाला है। हाँ अभी थोड़ा क्रंची है, इसमें वेफर्स आ रही हैं, थोड़ी सी जेम्स भी आई थी, फ्यूज वाले का जो छोटे छोटे जो बॉल्स जो है ना वो भी आई मेरे मुंह में, तो यार ओवरऑल से गुड वन। सो ये भी हमारा चैलेंज सक्सेसफुल रहा क्योंकि हमारा खाना बिगड़ा नहीं मैगी के तरह। होप आपको आज का ये फन एक्सपेरिमेंट वीडियो अच्छा लगा हो, अगर आया हो तो मेक श्योर दैट यू हिट द लाइक बटन राइट अवे। इस वीडियो को 30,000 लाइक्स तक क्विकली पहुंचा दो गाइस, आई एम नॉट आस्किंग फॉर एनी मोर देन दैट बट 30,000 यार बनता है ना, है कि नहीं। एंड साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करो बिकॉज मैं न्यू वीडियोस पोस्ट करती हूँ एवरी वीक, एंड ऑल्सो मेरे इंस्टाग्राम को फॉलो करो दैट इज द बुक डॉल, जिसमें मेरे को जल्द से जल्द 40K पहुंचा दो यार, थोड़ा सा जल्दी कर दो प्लीज। सो यार दैट वुड be all, make sure that you stay safe, not just the crackers but also wear your mask, and now I will see you guys in the next video. Bye.